गाजीपुर सिंघू टीकरी बॉर्डर पर आज भी जारी रहेगा इंटरनेट पर बैन। तीनों बॉर्डर्स पर हजारों की तादाद में जुटे किसान कृषि कानूनों के खिलाफ 69 दिनों से अन्नदाताओं का धरना जारी। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कृषि कानून पर होगी चर्चा। हरियाणा में खट्टर सरकार की बढ़ी मुश्किलें, किसानों के साथ सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे अभय चौटाला, मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगे हल्ला। आज हो सकती है किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच बातचीत, सरकार ने दिए बातचीत के संकेत। अब तक 11 दौर की बातचीत में नहीं निकला है कृषि कानूनों पर कोई हल। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल आज होगा जारी, 4 मई से शुरू हो रहे हैं एग्जाम, विषयवार डेटशीट होगी जारी। मोदी सरकार के बजट के बाद आज से शराब पीना होगा महंगा, बजट में अल्कोहलिक बेवरेज पर 100% एग्री इंफ्रासेस, पेट्रोल और डीजल के दाम पर भी असर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज HAL की दूसरी LCA उत्पादन श्रृंखला का करेंगे उद्घाटन, भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता को और बनाया जाएगा मजबूत। रेल यात्रियों को मिलेगी राहत, लोकमान्य तिलक टर्मिनल भागलपुर एक्सप्रेस और गया हावड़ा एक्सप्रेस आज से होगी शुरू, लोगों का सफर होगा आसान। दिल्ली में कोहरे के कहर से लोगों को होगी परेशानी, कई जगहों पर छाया रहेगा कोहरा, 4 और 5 फरवरी को कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सदस्य आज से चेन्नई में शुरू कर पाएंगे अपनी ट्रेनिंग, दोपहर 2 से 5 बजे तक स्टेडियम में पूर्ण समूह के रूप में करेगी अभ्यास, इंग्लैंड को भारत के साथ खेलना है मैच।